हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी का पीरियड है, तो इसमें आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी फर्स्ट के बारे में पढ़ाऊंगी। स्टूडेंट, क्लास में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था पड़क्कू की सूझ, सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आज जो आपका फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग है वो बताऊंगी। हार्ड वर्ड आपका होमवर्क गया था, आई होप सो आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, आपको अपनी हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में हार्ड वर्ड कंप्लीट करने के बाद में आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली एंड ओपन योर हिंदी फर्स्ट बुक एंड नोटबुक। स्टूडेंट्स, हार्ड वर्ड कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, वर्ड मीनिंग करना है। तो वर्ड मीनिंग आपको न्यू पेज से स्टार्ट करनी है और वेरी नीट एंड क्लीन लिखना है, बहुत ही मतलब सुंदर लिखना है, बिल्कुल भी पुअर हैंड राइटिंग का यूज़ नहीं करना है। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, सबसे पहले आप सभी लोग पेज नंबर मेंशन कर दीजिए, यहाँ पर पेज नंबर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में आपको आज का डेट फिल करना है, पेज नंबर और डेट डालना कोई भी नहीं भूलेगा। उसके बाद में सेंटर पे आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ, शब्दार्थ। स्टूडेंट्स, मेरा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है फिक्र। अगर आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि जो भी वर्ड मीनिंग एंड हार्ड वर्ड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी आपके चैप्टर्स में मिल जाएंगी। सो ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी एवरीवन। फर्स्ट वर्ड मीनिंग है फिक्र। फिक्र का मतलब होता है चिंता। फिक्र यानी शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ, तो फिक्र है, फिक्र का अर्थ होता है चिंता। सेकंड है हमारा कोल्हू, सेकंड है हमारा कोल्हू। कोल्हू का अर्थ होता है तिल, ईख, पेरने का यंत्र। जैसे कि जिसको कोल्हू जो होता है ना, बैल होता है, उसको चारों तरफ चलाता है, तो उससे क्या होता है, तिल या ईख होता है वो क्या हो जाता है, पिस जाता है, जैसे कि तेल निकालता है, जो कि हमने स्टोरी में रीड किया हुआ था। गजब, गजब का अर्थ होगा अनोखा, गजब का अर्थ होगा अनोखा। फोर नंबर है ढब। ढब का अर्थ होता है तरीका, ढब का अर्थ है तरीका। फिफ्थ नंबर है आपका भेद, भेद रहस्य, रहस्य या राज, रहस्य या राज हो सकता है। सिक्स नंबर है आपका पागुर। एनिमल्स होते हैं ना, उनका मुंह चलता रहता है, जैसे गाय भैंस, तो उनका मुंह चलता रहता है ना, तो उसको पागुर बोलते हैं। पागुर का अर्थ होता है जुगाली, जुगाली। सेवन नंबर है आपका धरता। धरता का अर्थ होता है पकड़ना, धरता का अर्थ होता है पकड़ता। एट नंबर है आपका ढब। ढब का अर्थ होता है मूर्ख, ढब का अर्थ होता है मूर्ख। नाइन नंबर है आपका मक्तिक। मक्तिक का अर्थ होता है तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। स्टूडेंट्स, आपका वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया है। आफ्टर वर्ड मीनिंग आपको नेक्स्ट पेज से, जैसे कि मैं क्लास वर्क में कराती हूँ, सेम उसी तरह आपको नेक्स्ट पेज पे क्या करना है, पेज नंबर डालना है और उसके बाद में आपको डेट डालना है। नाउ लिसन टू मी एवरीवन, सेंटर पे आप डाल देंगे प्रश्न उत्तर। माय फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर वन, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा। आंसर देखिए, पड़क्कू तर्कशास्त्र अधिक पढ़ता था, इसलिए उसका नाम पड़क्कू पड़ा। पड़क्कू तर्कशास्त्र अधिक पढ़ता था, इसलिए उसका नाम पड़क्कू पड़ा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पड़क्कू ने मालिक से क्या कहा था, पड़क्कू ने मालिक से क्या कहा था या क्या पूछा था। आंसर देखिए, पड़क्कू ने मालिक से पूछा कि
यह कैसे पता चलता है कि आपका बैल खड़ा है या चल रहा है? पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि यह कैसे पता चलता है कि आपका बैल खड़ा है या चल रहा है? नाउ थर्ड क्वेश्चन, मालिक को कैसे पता चला कि बैल कोल्हू में घूम रहा था? मालिक को कैसे पता चला कि बैल कोल्हू में घूम रहा था? आंसर देखिए, मालिक ने बैल के गले में एक घंटी बांध रखी थी। मालिक ने बैल के गले में क्या किया था? एक घंटी को बांध दिया था। इससे वह जब भी चलता था तो घंटी बजती थी और मालिक जान जाता था कि बैल कोल्हू में घूम रहा है। नाउ वंस अगेन, मालिक ने बैल के गले में एक घंटी बांध रखी थी। इससे वह जब भी चलता था तो घंटी बजती थी और मालिक जान जाता था कि बैल कोल्हू में क्या कर रहा है, चल रहा है या घूम रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़क्कू की समझ में क्या नहीं आ रहा था? क्योंकि पढ़क्कू कैसा था? तर्कशास्त्री था, तो उसे क्या समझ में नहीं आ रहा था? यही कि वह बैल उसमें कैसे घूम रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़क्कू की समझ में क्या नहीं आ रहा था? आंसर देखिए, पढ़क्कू की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बैल अपने आप कोल्हू में कैसे घूम रहा है। पढ़क्कू की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बैल अपने आप कोल्हू में कैसे घूम रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़क्कू की सूझ कहानी के लेखक कौन है? पढ़क्कू की सूझ कहानी के लेखक कौन है? आंसर देखिए, आप ये भी लिख सकते हो, पढ़क्कू की सूझ कहानी के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। नाउ वंस अगेन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर आपको सेंटर पे डालना है। आफ्टर वर्ड मीनिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले आपको पेज नंबर और डेट ज़रूर मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेंटर पे हेडिंग डालना है, प्रश्न उत्तर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा? पढ़क्कू तर्कशास्त्र अधिक पढ़ता था, इसलिए उसका नाम पढ़क्कू पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पढ़क्कू ने मालिक से क्या पूछा था? पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि यह कैसे पता चलता है कि आपका बैल खड़ा है या चल रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक को कैसे पता चला कि बैल कोल्हू में घूम रहा था? आंसर देखिए, मालिक ने बैल के गले में एक घंटी बांध रखी थी। इससे वह जब भी चलता था तो घंटी बजती थी और मालिक जान जाता था कि बैल कोल्हू में घूम रहा है। मालिक ने क्या कर रखा था, बैल के गले में एक क्या कर रहा था, बैल बांध दिया था, यानी घंटी बांध दी थी, और जब भी बैल चलता था तो वो बैल बजती थी। जैसा कि मैंने स्टोरी जब एक्सप्लेन की थी तो मैंने बताया था कि मालिक ने क्या किया था, बैल के गले में एक घंटी बांधी। तो पढ़क्कू को यही समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक को कैसे पता चलता है कि बैल कोल्हू में घूम रहा है। मालिक ने जब उसके गले में एक घंटी बांध रखी थी, जब भी बैल कोल्हू में घूमता था तो क्या होता था, वो बैल बजती थी और मालिक जान जाता था कि बैल कोल्हू में घूम रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़क्कू की समझ में क्या नहीं आ रहा था? आंसर देखिए,
पढ़कों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बैल अपने कोल्हों में कैसे घूम रहा है। पढ़कों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि बैल अपने कोल्हों में कैसे घूम रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़कों की सोच कहानी के लेखक कौन है? आंसर देखिए, पढ़कों की सोच कहानी के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। Got it everyone? So I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्लास ग्रुप में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।